गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, हमारे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आज 15 सितंबर के दिन, मेरा जन्म दिवस के दिन पर मैं इस वीडियो को रिलीज कर रहा हूं और मैं आज अपने सफलता के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। मेरे सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा है, मैं उनकी बातें बता रहा हूं। तो मेरी सफलता के पीछे सबसे पहले तो सबको यही बोलते हैं कि मेरे माता पिता और गुरु, ये तीन लोग का ही योगदान रहता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सफलता के पीछे काफी लोगों का हाथ रहा है, काफी लंबे लंबे लोगों का हाथ रहा है, जो मैं आज बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो सबसे पहले जो हमारे एक तरह से गुरु ही की तरह रहे, जो हमारे हर चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, सब एक तरह शिक्षक की तरह काम किए। मेरे सबसे पहले जो मैं शुरुआत जब किया, जब बचपन में मेरे स्टार्ट हुआ, तो मेरे भैया जो चचेरे भैया थे वो वहां से हमको स्कूल भेजना शुरू किए और मैं पढ़ना शुरू किया। तो शुरुआत यहाँ से हुई। हमारे मम्मी पापा भी कुछ हेल्प किए इस जाने में, क्योंकि उस समय पढ़ना बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू देते थे। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था कि पढ़ाई वैल्यू नहीं जाता, पढ़ाई को वैल्यू दिया गया और मैं पढ़ना स्टार्ट किया। मैं बड़ा होते चला गया। हमारे जो पहले गुरु हुए वो थे हमारे चाचा महेश्वर चाचा, जो कि अभी वर्तमान में शायद कहीं टीचर ही हैं, जो प्राइवेट में काम करते हैं। और उसके बाद मैं सिक्स तक इस तरह से पढ़ता चला गया और उसके बाद फिर मेरे चाचा कहीं और प्राइवेट में ज्वाइन कर लिए, जिससे मेरा उनके साथ रिश्ता टूट गया, मतलब पढ़ने वाला रिश्ता टूट गया। फिर मेरा जो मेरे गुरु जो हुए वो मेरे मामा जी, रामचंद्र मामा जी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते थे पढ़ने में। और मेरे जितने भी अभी तक गुरु हुए थे वो पैसा नहीं लेते थे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं। मतलब यहाँ तक मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रिश्ता चला है, कोई भी मामा जी हो या मेरे चाचा जी हो पैसा नहीं लिए। इसके बाद मेरा शुरू हुआ, फिर वहाँ फिर मामा जी भी चले गए अपने घर, चूंकि पहले रोहिणी में रहते थे तो वहाँ पे पढ़ते थे, फिर वो मामा जी हमारे चले गए गोंदाडी, फिर वहाँ से फिर मेरा बोले कि अब तो तुम्हारा अलग जगह पकड़ना हो। फिर हमने ट्यूशन पकड़ा हिरना में मेरे एक भैया थे, फुकेरे भैया, वहाँ पे पढ़ाते थे, तो वहाँ पे भी हम कुछ दिन पढ़े। उसके बाद हमने फिर शुरू किया, हमारे घर में ही आते थे दो तीन शिक्षक हम पढ़े, जो कि बहुत अच्छे थे, जो उसका हम कदर उसमें नहीं कर पाए थे, तो दो तीन शिक्षक बहुत अच्छे रहे हैं और वो अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन हम कुछ दिन के बाद वहाँ पे भी छोड़ दिए। इसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई, जो बागमारा हाई स्कूल के जो शिक्षक थे, जो हेडमास्टर थे विनोदानंद झा सर, उनके पास पढ़े। एक हमारे जो सर थे, ये घोरमारा तरफ के सर थे, वो आते थे, रायजी सर थे, बहुत अच्छे सर थे, बहुत हेल्प किए टेंथ तक, वहाँ पे पढ़े। उसके बाद सीताराम सर के पास भी कुछ दिन पढ़े थे, दो तीन दिन गए थे, उसके बाद हम कंपटीशन वहाँ पे कुछ दिन तक पढ़े थे। उसके बाद मेरा जो है फिर सफ़र हुआ, शुरू हुआ फिर कॉलेज का, स्कूल में भी सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद मेरा कॉलेज भी हुआ। इसी तरह से जीवन चलता ही जा रहा था। फिर मेरा शुरू हुआ आगे का सफ़र डिग्री में मैंने केमिस्ट्री लिया, चूँकि मेरा मैथ ऑनर्स नहीं आया था, जो कि मेरा एकदम अंदर से मेरा हम टूट गए थे, लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने शुरू किया, चलो केमिस्ट्री में ऑनर्स आ गया था और वो केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा लगता था, तो केमिस्ट्री में ऑनर्स लिए। और वहाँ से फिर सफ़र हुआ हमारे धर्मेंद्र प्रसाद सर, जो कि केमिस्ट्री के बहुत अच्छे शिक्षक थे, इतने अच्छे से हेल्प करते थे, जो पढ़ाते थे हम भले उतना अच्छे से समझ उस समय नहीं पाते थे, क्योंकि हमने इंटर में क्या कोई ट्यूशन ही नहीं पढ़ा, मैंने एकमात्र ऐसे हमको लगता उस समय थे जो कि बिना ट्यूशन किए उस समय इंटर पास किए थे, तो एक ही बार में। और उस समय स्टूडेंट इतना फेल होता था मत ही पूछिए, हर ज़्यादातर स्टूडेंट एक बार पास ही नहीं कर पाता था। तो मेरा इंटर भी पास कर गए, फिर डिग्री में वो सर हेल्प किए, डिग्री भी मेरा फर्स्ट डिवीजन से पास किए, फिर एमएससी भी फर्स्ट डिवीजन से, वो तो डीपी सर की कृपा रही जो एमएससी भी फर्स्ट डिवीजन किए हैं। उसके बाद मेरा जो सफ़र हुआ कंपटीशन का सफ़र शुरू हुआ, कंपटीशन शुरू ऐसे नहीं हुआ था, मेरा कंपटीशन का शुरू हुआ सबसे पहले, चूंकि मेरे मामा जी बोलते थे कि तुम इतने तेज हो तो आईएएस बनो, तो आईएएस के लिए मैंने जो है दिल्ली भी गया, वहाँ पे भी मैंने हमारे साथ जो हेल्प किए वो संजय भैया बहुत ही ज़्यादा उस समय हेल्प किए थे। वैसे संजय भैया हमसे छोटे हैं एज में, से एक दो महीना या साल भर भी छोटे हो सकते हैं, तो वो जाकर मेरे साथ गए, बहुत ज़्यादा वो हेल्प किए। और उसके बाद मेरा जो है, इसके पहले एक थोड़ा सा कहानी बता देते हैं, वैसे मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन किए हैं,
सब लोग बोलते थे कि इंजीनियरिंग का तैयारी करो, तो इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने उस समय देवघर के ऋषिकुल एक जगह था जहाँ पे उस समय कोर्स फी लगता था 39,000, 13,000 करके 3 बार में देना होता था। लेकिन 13,000 देना भी उस समय मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था, इतना ज़्यादा मुश्किल था, हम 13,000 भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो हम बोले कि नहीं, हमको इंजीनियर भी नहीं बनना। तो फिर बोला कि नहीं, अब तुम इंजीनियर नहीं बनोगे तो ऐसा करो तुम आईएएस बनो, तुम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आईएएस बनो। तो फिर मैं आईएएस का ही तैयारी करना शुरू किया था। लेकिन और वो आईएएस तभी बन सकते हैं जब आप डिग्री कर लोगे, तो डिग्री भी मैंने किया जब, और कोई भी फॉर्म नहीं भरा अभी तक, मैंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा था डिग्री तक, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। मेरा 2011 में फाइनली डिग्री हो चुका था, और जब डिग्री हम कर लिए थे तो उसके बाद मेरा सफर हुआ वही दिल्ली का। दिल्ली में गए, वहाँ पे हमको चाणक्य, बाजीराव, दो जगह हमको गए थे। इसके अलावा बहुत सारा कोचिंग, उस समय ज़्यादा कोचिंग नहीं था, और जो एक था वही राव जो कि उस समय फेमस था। तो ये दो कोचिंग में बात की, एक बाजीराव एक और एक चाणक्य में, दोनों डिमांड किया 80,000, और साथ ही साथ उसमें रूम रेंट मात्र 5,000 था। आज हमारे दिल्ली में जाइएगा 20,000 रूम रेंट है, और उस समय 5,000 ही रूम रेंट है, सोचिए कितना कम। और अभी 2,00,000-2,50,000 आपका वो फीस है, और उस समय 80,000 में ही था। फिर भी हम घर में आके बोले कि 80,000 लग रहा है, मेरे पापा भी तैयार हो गए, इतने बेटा ठीक है हम जमीन ही बेच देते हैं इकट्ठा और 80,000 तुमको दे देंगे। लेकिन फिर भी वहाँ गारंटी नहीं दी कि तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। कोई भी एग्जाम क्रैक करना मेरे हाथों में है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना बेहतर तरीके से उस चीज़ को करते हैं। तो हम इसमें बोले कि नहीं पापा ठीक है, हम दूसरा चीज़ करेंगे, कंपटीशन का तैयारी करेंगे। उस समय बैंक का बहुत ज़्यादा क्रेज था, देवघर में हर बच्चा बैंक का ही तैयारी करता था, जो भी बच्चा देखता था खाली बैंक का ही तैयारी करता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, बैंक का तैयारी भी करेंगे। तो वो उस समय था ऑफिसर मेकर, यहाँ बेला बगान नहीं, ये बरमसिया में था, और उसमें फेमस कोचिंग था, और एक था ऑफिसर एकेडमी या कुछ नाम था उधर दास कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे भी देखे कि पैसा 8,000 एक साथ लगता था। तो ये हमारे जो जिमी भैया हेमंत, जिसको बोलते हैं हेमंत भैया, तो वो हमको ले गए थे, बोले थे छूट करवा देंगे, 4,000 के बारे में लगेगा। फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। फिर हमने एक सुमन सर जो थे हमारे हरिओम क्लासेस ही नाम था उनका, उनके क्लास का, तो वहाँ पे भी ज्वाइन किए। वहाँ पे भी हम एक साल 2011-12 में लगभग किए हुए थे एक साल की, लेकिन वहाँ पे रीजनिंग हम अच्छे तरीके से नहीं होता था, तो बैंक का कोई भी एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे, उस समय एक लड़का था जिसका नाम था झटकलाल, वो शायद बैंक पीओ उसमें बन गए थे, और सर भी हमको डांटते रहते थे तुम एक भी नहीं निकाल पाता एग्जाम, बहुत ही दुखी की बात है। तो उसके बाद मैंने एमटीएस दिया, एमटीएस का भी एग्जाम मैंने क्रैक कर लिया 2012 के आसपास, 12-13 में निकाल लिए थे, और एक बीटेड एग्जाम दिए हुए थे, और उस समय नियोजित शिक्षक का बहाली हुआ था, तो नियोजित शिक्षक में भी मेरा हो गया था, लेकिन वो हम ज्वाइन नहीं किए कुछ कारण से, उसको इस कारण को हम यहाँ नहीं बताना चाहेंगे। तो उस समय ज्वाइन नहीं किए, और ये चांदन में ही हो रहा था। उसके बाद शुरू हुआ सफर 2013 का, 2013 में फाइनली उस समय हमारे जो सुनील सर थे, मुकेश सर थे, एक कोचिंग खोले थे बी मार्क्स क्लासेस, जहाँ पे बच्चे का एक एग्जाम होता था, जिस एग्जाम में अगर 60% से ज़्यादा ले आओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता था, और 60% से नीचे लाओगे तो तुमको कुछ पैसा लगता था। तो सर बहुत अच्छा स्कीम रखे थे, और हम कुछ पढ़ ही रहे थे उस समय कंपटीशन का, तो एग्जाम में जाकर के 87 मार्क्स ले आए एक समय, 87, सोचिए कि एग्जाम हम तैयारी कर रहे थे और 87 मार्क्स ले आए, तो हाईएस्ट, और उस बैच में जो हम एग्जाम दिए थे उस बैच में हम हाईएस्ट मार्क्स लाए थे, और उससे भी ज़्यादा एक लड़का निरंजन जो अभी शायद SSC CGL में है, और अभी भी वर्तमान में वही होंगे, और सेंट्रल एक्साइज शायद उस समय बने थे। तो उन एग्जाम क्रैक कर लिए, तो वहाँ पे शुरू हुआ 2013 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 तक मैंने SSC CHSL दिया, और हर एग्जाम मैंने क्रैक ही किया, ऐसा कोई एग्जाम इसमें था ही नहीं जो मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा था। CGL भी हमारे एग्जाम क्रैक ही कर लेते थे प्री में, लगातार हम 6 बार निकाले, उसके बाद मेरा एज ही एक्सपायर हो गया, तो मैंने लगातार ये किया, और इसमें बहुत सारे जो मुकेश सर, सुनील सर का ही योगदान रहा। इसके बाद एक कोचिंग और पकड़े थे भारत भूषण सर के पास, आदि क्लासेस, वहाँ पे भी कुछ दिन क्लास किए थे, उन सर का भी हम योगदान वैसे भूल नहीं सकते हैं। वैसे और भी अगर हुआ, इसके अलावा भी हम बहुत सारा एग्जाम देते थे, और हमेशा मैं रैंक 1 रैंक 2 ही हमेशा कोचिंग में लाया हूँ, और ज़्यादातर मैं हमेशा रैंक 1 और रैंक 2 ही लाया हूँ, कभी कभार रैंक 6 तक भी गया है बहुत बारे, और उसमें हम बात भी सुने कि रैंक 6 तुम्हारा आ गया। तो इस तरह से मैंने एग्जाम लगातार अपने कोचिंग में टॉप पे ही रहा हूँ, और जहाँ भी पढ़ा हूँ, जैसे मैं ट्यूशन भी अगर पढ़ा हूँ तो मेरा रैंक 1 ही हमेशा रहा है,
और ज्यादातर केस में हमेशा रैंक वन लाने का प्रयास ही किया हूँ और हमेशा सोचता हूँ, आज भी अगर हम कोई एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं रैंक ही मेरा आए, और हम अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चे भी उस तरह से बेहतर करके दिखाए, और उनको कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आप बेहतर करते चले जाओ, अपने आप रैंक के लिए नहीं पढ़ना है, रैंक के लिए वही पढ़ते हैं जो एकदम पागल की तरह पढ़ते हैं, आप पागल भी मत की तरह मत पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आप बेहतर कर सको, और बेहतर जब करोगे तो आप रैंक खुद ही खुद ले आओगे। तो मेरा यहाँ पे सुनील सर, मुकेश सर का योगदान रहा। इसके अब बात आती है स्टूडेंट का क्या योगदान रहा। जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया था तो हमारे साथ हमारे अनिल सर, घनश्याम सर और भी साथ में आए, और साथ साथ में हम लोग स्टार्ट किए एक ग्रुप डिस्कशन, और उस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि क्या ही बोलें, बेहतर तरीके से एकदम करते थे और हम लोग लगभग एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेते थे, सब एग्ज़ाम लगभग क्रैक ही करते, लेकिन मेरा टाइपिंग जो प्रॉब्लम था, हम टाइपिंग एक बार भी क्रैक नहीं कर पाए। उसके अलावा मेरे कृष्णा जो दोस्त थे उस समय और अभी वर्तमान में भी अगर देखा जाए, हम उसका हेल्प उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं ही कर पा रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प किए थे हमारे पढ़ाई में, गांव में जब रहते थे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, तो उनको भी धन्यवाद। और इसके अलावा भी कुछ और भी लोग होंगे। अब बात आती है हमारे स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट जो कि हम घनश्याम सर को पढ़ाए थे तो वो हमको हेल्प करते थे, मोटिवेट भी करते थे, अनिल सर बहुत मोटिवेट करते थे। उसके बाद हमने कोचिंग भी खोला था 2011 में साथ में विक्रम ट्यूटोरियल के नाम से, जो अभी भी वर्तमान में चल रही है, जहाँ के शिक्षक हैं अनिल सर का जॉब हो चुका है, विकास सर जिसको सिंटू बोलते हैं, उसके बाद रघुवीर अभी वर्तमान में वहाँ पे है केमिस्ट्री के टीचर, उसके बाद घनश्याम सर है अभी हेड, और ये सिंटू सर, उसके बाद भी अभी सूरज शायद पढ़ा रहा है क्या, पढ़ा रहा है अभी वर्तमान में सूरज भी। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी मैथ का क्लास चलता है तो जा सकते हैं 11-12 का, और आप लोग जो भी वहाँ क्लास करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मेरे जीवन में ये लोग का योगदान रहा। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टूडेंट जो कि जो ऑलरेडी अभी भी जुड़े हुए हैं, उस समय पंकज जी बहुत हेल्प किए हैं, आनंद बहुत हेल्प किए हैं पढ़ने में, बहुत सारे नोट्स बना देते थे। तो इस तरह से सभी का योगदान रहा और जीवन में हम आगे बढ़ते रहे। और सबसे ज़्यादा बात आते हैं कि 2017 का लास्ट फेज जब हम एग्ज़ाम दिए थे बीएड का, और बीएड में मेरा रैंक 2 लेके आए थे पूरे यूनिवर्सिटी में रैंक 2, और उसके बाद उसमें हम ज्वाइन ही नहीं किए। क्यों नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि हम उस समय CHSL में मेरा फाइनल होने वाला था, हम टाइपिंग भी बहुत अच्छे से दिए थे लेकिन फिर भी मेरा जो 8 पॉइंट या 9 पॉइंट में आ गया था, 10% छूट रहता है, लेकिन मेरा शायद 11% हो गया था, जिसके कारण से मेरा नौकरी नहीं हुआ। और उसके बाद हम फिर टूट गए, फिर हम सोचा BED कर लेते हैं। 2018-20 में फिर मेरा रैंक 11 आया था, तो मैंने फिर से बीएड किया। 2018-20 में मेरा बीएड हुआ, फिर मैंने फिर लगातार किया, उसके बीच में बीएड के बीच में ही मेरा ग्रुप डी का फिर से एग्ज़ाम क्रैक हो गया था, जो मेरा आसाम गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ पे भी अच्छा ही हो रहा था, ट्रैक मेंटेनर पोस्ट लगा था, लेकिन वहाँ भी 2 महीना के बाद मेरा फिर वहाँ से भी पत्ता कट गया, सोच लीजिए, क्योंकि वहाँ से हम जब आए तो कोरोना उस समय आ गया, 2018-19-20 में जब घर आए फरवरी के बाद हम कोरोना का लहर आ गया, फिर वहाँ पे हम गए ही नहीं। फिर मेरा जो जॉब हुआ फिर 2022 के आसपास में लगा, लेकिन 23-22 में पता चल गया था मेरा नौकरी होने वाला है, लेकिन फिर भी हम डर रहे थे। ये लोगों जो स्टूडेंट आता था, जो पल्टन ग्रुप, सूरज, सचिन, ये सब लोग आता था, पंकज, ये लोग आता था, लेकिन ये लोगों को भी हम कंफर्म बता नहीं पाते थे, बोलते थे कि हो तो जाएगा लेकिन अभी बोलो मत किसी को, क्योंकि पता नहीं कब मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा, डरते थे। टाइपिंग भी लग रहा था होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्लियर हो गया तो फिर लग रहा था मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बैक टू बैक मेरा ग्रुप डी में भी हो गया, जिसमें पॉइंट्समैन पोस्ट मिला था, और मेरा बैक टू बैक उसमें वो NTPC में जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का भी हो गया। और उसी साल इतना ज़्यादा हम दौड़े, 2023 का जो फेज था सबसे ज़्यादा हमको दौड़ना पड़ा, कभी मालदा दौड़ते थे, कभी ये पटना दौड़ते थे, कभी धनबाद दौड़ते थे, कभी इतना दौड़ मेरा हुआ है, मैं कभी कलकत्ता दौड़े हैं, कभी यहाँ दौड़े हैं, कभी धनबाद दौड़े हैं, इतना ज़्यादा दौड़ उस समय हुआ 2023 का फेज जो है ना, दौड़ते हम थक गए, लेकिन फाइनली मेरा दोनों में ही बहुत सारे परेशानी हुई, लेकिन दोनों में ज्वाइन किए। बहुत लोग बोला था ग्रुप डी का ज्वाइन किया जब जूनियर क्लर्क था, तो बोले ज्वाइन कर लिए तो अब लगता है ज्वाइन किए तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन फाइनली 2023 के लास्ट होते होते मेरा फिर से ये BPSC टीचर 11-12 में हो गया, और उसके बाद फिर से मेरा जीवन बदला, और आज भी मेरा प्रयास जारी है। और सॉरी, उसके बीच में एक चीज़ बताना भूल गया, 2018 जब हम ज्वाइन किए तो मेरे जीवन में आई एक सगुन राज, जो मेरे जीवन की दिशा और दशा सब बदल दी। अगर आज हम कुछ हैं तो सबसे ज़्यादा योगदान हम
अपने बेटी शगुन राज को देते हैं, क्योंकि वो अगर जीवन में नहीं आती हो सकता हम जीवन में और भी उखड़ जाते। वैसे हमारे स्टूडेंट तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो योगदान रहा वो हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को अलग ही दिशा दे दिया। तो बहुत बहुत जीवन में सबको धन्यवाद देते हुए बस यही कहेंगे, जीवन में रुकना नहीं है, जीवन में रुकने का नाम नहीं है। जब तक जीवन है बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हर उस व्यक्ति जो आपके जीवन में आपका योगदान दिए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का योगदान अगर हम भूल गए हों बोलने के लिए, तो सबका योगदान रहा है। हमारे सुशील ये सब, रोहित ये लोग का भी योगदान है, जो कि हम यहाँ वीडियो के माध्यम से बता नहीं पाए, उसे फाइनली बोल ही दिए, और भी छूटे होंगे बहुत सारे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को इतना रोशन प्रदान करने के, रोशनी प्रदान करने के लिए। आज अगर हम जो कुछ भी हैं तो सभी के मेहनत, सभी का हेल्प के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे दीदी, हमारे रिलेटिव्स भी कुछ लोग हेल्प किए हैं, दीदी, हमारे जिया जी, हमारे भगनी, हमारे हर एक, हमारी वाइफ, हमारे माता पिता तो बोल ही दिए शुरू में, तो सबका योगदान रहा। जितना भी हुआ हर लोग का योगदान रहा, गांव के कुछ लोगों का योगदान रहा, और बाकी जीवन में बोलते रहेंगे, कुछ लोग तो टांग खींचते रहेंगे। जब तक टांग नहीं खींचेंगे तो आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये तो होता ही रहेगा। अगर टांग नहीं खींचते तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद, और जाते तो यही कहेंगे एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, अभी भी प्रयास जारी है और प्रयास जारी रहेगा। जब तक है दम तब तक है बम, और यही है आपका विक्रम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।